सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराना सीखिए, रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। क्या फर्क पड़ेगा तुझे खुद के सागर में डूब जाने से, कल का सूरज तो अपने समय पर ही उगेगा। सच्चे हो तो सफाई भी अधिक देनी पड़ेगी। आज का पंचांग 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम 4:31 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:58 से 4:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी आज 8 नवंबर को लगेगा। यह भारत में आंशिक सहित कई देशों में देखा जा सकता है। भारतीय समयानुसार साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर यानी आज शाम 5:32 से शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 पर शुरू हो जाएगा और शाम 6:18 पर खत्म होगा। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। इसका वृषभ मिथुन कन्या तुला और वृश्चिक राशि पर अधिक असर भी रहेगा। इन राशि वालों को संभल कर रहना होगा। इन्हें सेहत, आर्थिक करियर और कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वृषभ राशि 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। काफी समय से जिंदगी एक ही धर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार नहीं हो रहा। अपनी नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं या कहीं भी बाहर घूमाएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा तथा अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। नए ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही भी रहेगी। तनाव दूर हो सकता है, लेकिन अभी आप अपने विचारों में खोए रहते हुए काम करने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों के साथ दूरियां महसूस होगी। एक दूसरे की भावनाओं को न समझने से नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को फायदा प्राप्त हो सकता है। अभी के समय में बड़ा निवेश करना संभव है। रिलेशनशिप से संबंधित ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शुगर से संबंधित तकलीफ अचानक से होगी। सावधानियां, जल्दबाजी या लापरवाही करना ठीक नहीं है। सहज तरीके से अपने कामों को निपटाते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएगी। खर्चों पर काबू पाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रति काफी नरम है, फिर भी आपको कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद भी नहीं चाहिए। हाँ, वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है।
परंतु अपने दिल के सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्तमान काम जिस तरह चल रहे हैं उनमें किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश ना करें। दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क बनेंगे, परंतु आसपास के व्यवसायियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने के लिए और अधिक मेहनत की भी जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको अपनी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह भी जरूर लेनी पड़ सकती है, लेकिन अब अगर आप सेहत संबंधित उनकी सलाह पर अमल नहीं करेंगे तो आपको गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, छोटी से छोटी तकलीफ की भी जांच कराएं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फिट भी रह पाएंगे और तकलीफों से भी बच पाएंगे। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।